हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में यहाँ पे बात करने वाले हैं एग्रीसेट 2022 के बारे में। अब गाइस, ये एग्रीसेट 2022 का एग्जाम क्यों कंडक्ट करवाया जा रहा है, इसका मेन एम क्या है, मेन पर्पस क्या है इस एग्जाम कंडक्ट करवाने के पीछे, इसका सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हर एक चीज डिटेल में डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर इनकेस कोई भी नया अपडेट या नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर पाएंगे, आप लोगों को नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एग्रीसेट 2022 के बारे में और डिटेल में जानना। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे मैं बता दूं कि एग्रीसेट का फुल फॉर्म है गाइस यहाँ पे एग्रीकल्चर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। और गाइस, ये जो एग्जाम है, यानी कि आपका एग्रीसेट 2022 का एग्जाम, जिसे हम फुल फॉर्म में एग्रीकल्चर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी कहते हैं, ये कंडक्ट करवाया जाता है कैसे पे आचार्य एनजी राणा रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के थ्रू। अब कैसे जो एंट्रेंस एग्जाम है, ये जो एक स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है, यूजीएन पीजी बेस, और इस एग्जाम को क्लियर करके क्रैक करके आप लोगों को एग्रीकल्चर कोर्सेज में आसानी से एडमिशन मिल सकता है। अब कैसे यहाँ पे हमने एग्रीसेट 2022 के हाईलाइट देख लिए, अब हम यहाँ पे जो एग्रीसेट के बारे में और डिटेल में जानना शुरू करते हैं। लाइक सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे इसके एग्जाम डेट्स के बारे में, कि आप लोगों का जो एग्रीसेट का एप्लीकेशन कब रिलीज होता है, एग्जाम कब कंडक्ट किया जाता है। तो कैसे आप लोगों का एग्रीसेट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पे जून में रिलीज किया जाता है। वही बात की जाए अगर आप लोगों के एडमिट कार्ड की, तो जुलाई में कैसे आप लोगों का एडमिट कार्ड यहाँ पे रिलीज किया जाता है। एग्जाम यहाँ पे जुलाई के एंड में कंडक्ट की जाती है। फिर उसके बाद गाइस नेक्स्ट बात करेंगे अब एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। अब गाइस, सबसे पहले यहाँ पे हमने एप्लीकेशन टॉपिक क्यों चूज किया, क्योंकि एप्लीकेशन जो आप लोगों का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट एप्लीकेशन अगर आप एप्लीकेशन गलत फिल करते हैं, इनकेस अगर एप्लीकेशन में आप कोई भी इनवैलिड डिटेल्स एंटर करते हैं, तो एप्लीकेशन डायरेक्टली गाइस रिजेक्ट हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा। और कई सारे स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, इसीलिए ये वीडियो में हमने सबसे पहला जो टॉपिक चूज किया एप्लीकेशन का चूज किया है। अब गाइस, आप लोगों के साथ ये प्रॉब्लम ना, आप लोगों को ये इशू फेस ना, इसलिए क्या करना होगा, सिंपली हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि जैसे एग्रीसेट 2022 का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा, हम तुरंत उसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे। वीडियो में गाइस आप लोगों को लाइव एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके बताया जाएगा, साथ ही आपको उस वीडियो में यह भी बता दीजिएगा किस तरह से डॉक्यूमेंट फोटोग्राफ सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करना है, किस तरह से एप्लीकेशन फी पे करनी है, यानी कि हर एक चीज डिटेल में डिस्कस करेंगे आप उस वीडियो में एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग। अब बात की जाएगी यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की, तो गाइस आप लोगों की एप्लीकेशन फी रहने वाली है जनरल कास्ट के लिए 500 रुपीज रहेगी, रिजर्व कास्ट के लिए 250 रुपीज रहने वाली है। उसी तरह से गाइस आप लोग जो है इसे एप्लीकेशन फी को ऑनलाइन मोड एज वेल एज डिमांड ड्राफ्ट, यानी कि डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू ऑफलाइन मोड भी पे कर सकते हो, ऑनलाइन डायरेक्टली डेबिट का, क्रेडिट का, नेट बैंकिंग के थ्रू आप लोग पे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब गाइस आप लोगों को पता है, जैसे कि किसी भी एग्जाम की बात करें, यहाँ पे सिर्फ एग्रीसेट की नहीं बात करें, अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई करनी होती है। अगर आप उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं, देन ओनली यू विल बी प्रोसीड टू द एग्जामिनेशन, यानी कि एंट्रेंस एग्जाम को अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, तो ही आप लोग, तो सबसे पहले आप लोग उसकी एलिजिबिलिटी को सेटिस्फाई करना होगा। एलिजिबिलिटी को सेटिस्फाई करने के बाद ही एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब गाइस, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात की, तो गाइस आप लोगों के पास यहाँ पे 2 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स रहना चाहिए इन एग्रीकल्चर या सीड टेक्नोलॉजी। उसके बाद गाइस बात की अगर अपीयरिंग कैंडिडेट, अगर आप फाइनल डिप्लोमा में हो तो क्या आप एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो हाँ गाइस अगर आप अपीयरिंग स्टूडेंट तो भी आप लोग इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट की बात की जाए, तो गाइस यहाँ पे 17 ईयर्स से ज्यादा आप लोगों की एज रहनी चाहिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन। और गाइस जिनकी एज यहाँ पे जो 22 ईयर्स से कम है, यहाँ पे जो है आप लोगों की एज जो 22 मैक्सिमम एज लिमिट रख दी गई है, और वहाँ पे रिजर्व कास्ट कैटेगरी के जो 25 ईयर्स यहाँ पे जो है मैक्सिमम एज लिमिट रख दी गई है, यानी कि 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दे दिया यहाँ पे रिजर्व कास्ट कैंडिडेट के लिए। अब एग्जाम पैटर्न की बात करें, तो ऑनलाइन मोड में एग्जाम नहीं होगा, ऑफलाइन मोड में होगा, पेन पेपर बेस्ड आप लोगों का एग्जाम लिया जाएगा, 1 hour 30 minutes दिए जाएंगे पूरा पेपर आप लोगों को कंप्लीट करने के लिए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन के गाइस 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगेगा, सिंपली उस एक ऑप्शन को आप लोगों को सेलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट बात की जाए क्वेश्चन कितने पूछेंगे, तो टोटल गाइस 200 क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पे एग्जाम में पूछे जाने वाले। अब गाइस नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पे सिलेबस की, तो गाइस आप लोगों का जो सिलेबस यहाँ पे काफी वास्ट था, तो सिलेबस यहाँ पे वीडियो में डिस्कस नहीं हो पाता था, इसीलिए हमने जो सिलेबस की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सिंपली डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे आपको क्लिक करना, आपके सामने कंप्लीट जो सिलेबस ओपन हो जाएगा, वहां से डिटेल सिलेबस आप डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे इस एडमिट कार्ड की, तो गाइस आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि विदाउट एडमिट कार्ड आप लोग एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, इवन आप लोगों को एग्जाम सेंटर के अंदर भी नहीं लिया जाएगा। तो एडमिट कार्ड आपको ध्यान से सावधानी से डाउनलोड
करना है। अब कई बार क्या होता है कैंडी क्रश को पता ही नहीं चल पाता कि आप लोगों को एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं, डाउनलोडिंग डेट जो एंड हो चुके हैं और वो एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाते। तो आप लोगों के साथ ये ना, इसलिए सिंपली क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे एडमिट कार्ड रिलीज होगा हम तुरंत आप लोगों को जो है इस वीडियो के थ्रू अपडेट कर देंगे, नोटिफाई कर देंगे कि एडमिट कार्ड अवेलेबल हो चुका है और एडमिट कार्ड डाउनलोड किस तरह से करना है वो भी वीडियो में बता दिया जाएगा। तो मेक श्योर कीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो ताकि आप लोगों को एग्रीसेट 2022 की छोटी से छोटी अपडेट हम आप लोगों को टाइम टू टाइम देते रहेंगे। एंड आई होप कि गाइस इस वीडियो को देखेंगे तो आपके हर एक एग्रीसेट 22 के रिगार्डिंग हर एक डाउट क्लियर हो गए रहेंगे। इनकेस और कोई भी डाउट है और कोई भी डिटेल जानी तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी गई है या तो डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में भी आप बोल सकते हैं, हम जरूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल नॉलेजेबल रहा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।